नमस्कार, आप देख रहे हैं देश ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ मोहिनी भदौरिया। अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी दी है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो महामारी वायरस के लिए जिम्मेदार है तो उसको इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ, व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन को चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने अपने यहाँ हो रहे स्वास्थ्य क्षेत्रों में शानदार कामों की तारीफ भी की है। ट्रंप ने कहा कि जर्मनी को छोड़कर बाकी देशों की तुलना में हमारे यहाँ शानदार काम हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में पर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यूरोप की तुलना में मृत्यु दर काफी कम है। उनके अनुसार स्पेन, फ्रांस, यूके और इटली में मौतों का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है और उनके देश में बहुत कम है। ट्रंप ने कहा कि अगर आप लोग फेक न्यूज पर विश्वास करते हैं तो मृत्यु दर पर सबसे नंबर वन पर है अमेरिका, जबकि शीर्ष पर है चीन, जहां पर अधिक मौतें हुई हैं। जी हां, उन्होंने ये कहा कि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और चीन खुद जानता है, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, मैं एक दिन इस पर जरूर बताऊंगा। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन खबरों पर ध्यान दे रहे हैं जिसने दुनिया भर के लोगों की वायरस से जान ले ली। चीन के शहर वुहान की लैब से ये फैलने का दावा किया गया। ट्रंप ने ये बात तब कही जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने उनसे ये सवाल पूछा कि कोविड-19 के लैब से फैलने की जांच की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम जरूर देख रहे हैं और इस पर कुछ तो सच्चाई है। दरअसल कई एजेंसियों ने चीन स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से महामारी वायरस के लीक होने के दावे पिछले दिनों में किए हैं। ट्रंप ने इन दावों की जांच की पुष्टि की। फॉक्स न्यूज ने अपनी एक खास खबर में कहा कि अमेरिकी खुफिया कर्मचारी प्रयोगशाला और रेगाड़ू के शुरुआती प्रकोप के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। समाचार चैनल ने सूत्र के हवाले से कहा कि खुफिया विश्लेषक उन घटनाक्रमों को जुटा रहे हैं जिसकी खबर को जानकारी है और असल में जो हुआ उसकी सही सही तस्वीर बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कई अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन बहुत जांच होनी बाकी है और हम सच का पता लगा लेंगे। उन्होंने कहा चीन एक खास तरह के चमगादड़ की बात करते हैं, लेकिन वो चमगादड़ उस क्षेत्र में नहीं है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? उसे उस मीट क्षेत्र में भी नहीं बेचा गया था, वो 40 मीटर दूर था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि चीन में कोविड-19 संक्रमण से मरने वालों की संख्या वास्तव में बताई गई संख्या से अधिक है। ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि इस अनजान दुश्मन से होने वाली मौतों का आंकड़ा चीन ने अचानक बढ़ाकर दोगुना कर दिया है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा है। उन्होंने दावा किया कि ये अमेरिका में हो रही मौतों के आंकड़ों से भी कई अधिक है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका वुहान में चतुर्थ लेवल पर प्रयोगशाला में दिए गए अनुदान को रोकेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओबामा प्रशासन ने चीन को $37 लाख अनुदान में दिए थे, जो कि अब हम इस राशि पर रोक लगाएंगे। कई सांसदों के समूह ने सदन और सीनेट नेतृत्व को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भविष्य में वायरस से संबंधित कोई भी मदद राशि ना दी जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की तमाम खबरों से बने रहिए देश ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।